हेलो मिस्टर राज। हाय, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शालिनी। शालिनी? अरे हाँ, बॉस ने आपके बारे में बताया था कि आप काम के सिलसिले में मुझसे मिलने के लिए आएंगी। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कंपनी के साथ जुड़कर। मेरे काम से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आई एम श्योर, तभी तो बॉस ने आपका नाम रिकमेंड किया है। एक्चुअली बॉस चाहते हैं कि आप हमारे टीवी शो तलाश नंबर वन सिंगर की में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम संभालें। क्या आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहां पर इस कमरे में कोई है? कमरे में तो कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे पक्का कोई है। मुझे मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। किसी की मौजूदगी का एहसास? देखिए, हम दोनों के अलावा तो इस कमरे में और कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई है। कोई यहाँ पर, मुझे मुझे महसूस हो रहा है। अरे कोई नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ तुम्हें अचानक? क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? वहां पर है, देखो। अरे कौन खड़ा है वहां पर? वो लड़की है। वो तुम्हें जानती है, तुम देख रही हो। अरे मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं, मत जा। वो वहीं पर खड़ी है। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम ही है। मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो हमारी तरफ ही देख रही, वो घूर घूर के देख रही, वो खड़ी है वहां पर। तुम मेरी बात का विश्वास? अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे कोई है? वॉचमैन? मैं तुम्हें कह रही, मैं सच कह। वॉचमैन क्यों अपना फोन नहीं उठा? पता नहीं कहां से लगे सब। विश्वास करो, मैं सच कह रही, वो हमें ही देख रही। वो कब से वहीं पर खड़ी है? देखो, तुम एक बार उधर देखो। तुम अपनी ये बकवास बातें बंद करो, चलो यहां से। पर तुम मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। अरे बंद करो अपनी बकवास। एक तो पता नहीं कहां से आ गई, ऊपर से अनाज तनाव बके जा रही है, चलो यहां से। पर मेरी बात तो सुनो। तो तुम्हें कुछ कहना चाहती, मेरे जरिए तुम्हें कुछ कहना चाहती। एक बार तुम उसकी बात सुन, प्लीज उसकी एक बार बात सुन। अरे मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, चलो यहां से। पर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। मैं मेरा उससे बात करती हूँ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। राज, तुम इसकी बात सुन लो। अनबिलीवेबल, उसने मेरी बात मान ली। वो बैठ रही है, देखो देखो वो बैठ रही है। अरे वो कुर्सी हवा से हिली है। प्लीज उसकी बात सुन लो, वरना वो कुछ भी कर बैठेगी। मुझे वो साफ साफ दिखाई। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। What? I don't believe it, Raj. मतलब वो लड़की शालिनी जो तुमसे काम मांगने आई थी, उसे अचानक तुम्हारे कमरे में एक लड़की दिखी। हाँ सोना, पर अगर तुम्हारे कमरे में कोई लड़की थी वो तुम्हें क्यों नहीं दिखी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। I really don't have any idea. और उसके बाद हवा से सामान यहाँ वहां होना, क्या ये सब इत्तफाक होगा?
ये इत्तेफाक ही है राज, और क्या हो सकता है। या शायद वाकई में कोई ना दिखने वाली लड़की हो जो ये सब कर रही है। व्हाट रबिश, ऐसी ना दिखने वाली कोई चीज ही नहीं होती है, जो होता है वो सब दिखता है। आई अग्री। वैसे तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा है, तुम उसे नौकरी दोगे? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैंने उसके साथ काम किया ना तो एक हफ्ते के बाद मुझे पागल खाने पहुंचा देगी। अचानक लाइट फ्लक्चुएट क्यों होने लगी? ये लैपटॉप ही बंद हो गया। कौन कौन है वहां पर? ये सब हो क्या रहा है? अजीब था आज का दिन। खैर इन बेकार की बातों से अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूं? सो जाना चाहिए, सुबह तक ये सारी बातें दिमाग से निकल ही जाएंगी। शालिनी तुम यहाँ? जस थैंक गॉड तुम आ गए। वो लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो मेरे घर तक भी आ गई थी राज। कौन लड़की? वही जो उस दिन तुम्हारे ऑफिस में थी। शालिनी मेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। साइकेट्रिस्ट?
और क्या कहूंगी मैं साइकेट्रिस्ट को कि वो लड़की तुम्हें जिम्मेदार मानती है उसकी मौत के लिए। क्या? वो लड़की नहीं, एक मरी हुई लड़की, एक आत्मा है और वो तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है, तुम्हें। What nonsense? तान्या नाम है उसका। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? उसने मुझे खुद बताया। देखो शालिनी, मजाक करने की एक हद होती है और तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जरूर मेरे अतीत के बारे में तुम्हें किसी ने बताया होगा, वरना ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे क्या करना है? मैं तो यहां सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि आने वाले खतरे के बारे में मैं तुम्हें चेतावनी दे सकूं। चेतावनी दे दी? प्लीज जाओ यहां से। जब तक तान्या की आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम दोनों को मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तान्या की आत्मा मुझसे बात करना चाहती है ना, तो वो खुद मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे जरिए मुझे संदेश क्यों पहुंचा रही है? वो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि वो यहाँ तुम्हारी बेवफाई का बदला लेने आई है। उसने मुझे बताया कि तुमने साथ जीने और मरने का वादा किया था पर निभाया नहीं, इसलिए वो यहाँ खुद आई है तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने के लिए। क्या तान्या की आत्मा, क्या वो सच में वापस आ गई है तुमसे बदला लेने के लिए? अरे किस बात का बदला यार, मैंने उसका बिगाड़ा किया जो मुझसे बदला लेगी? बहुत प्यार किया था मैंने उसे। राज मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम शालिनी से बिल्कुल मत मिलना, वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। राज शालिनी, राज कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राज कहीं नहीं जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों उसके पीछे पड़ी हो तुम? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगी, फिलहाल राज तुम मेरे साथ चलो। तानिया को तुमसे मिलना है, वो कहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता, तानिया मर चुकी है और मरे हुए लोग किसी का इंतजार नहीं करते। जिद मत करो राज, तानिया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए उनको निशाना बनाएगी जिनसे तुम प्यार करते हो। What? मैंने कहा था ना राज कि तान्या तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगी। अरे बकवास बंद कर। तुम तान्या की आत्मा से नहीं लड़ सकते राज, तुम उसकी बात मान लो राज, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। राज, राज, सोना, जोमार, राज मुझे बचा लो, राज मुझे मत छोड़, सोना उठो। डॉक्टर साहब सोनम बच तो जाएगी। देखिए इस वक्त मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेशेंट का खून बहुत बह चुका है। बट यू डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब वार्ड नंबर 7 का पेशेंट बहुत सीरियस है, आपको बुलाया गया है।
एक्सक्यूज मी, जस्ट कम। राज, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई अनहोनी होने वाली। राज, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना ताने की आत्मा कुछ भी कर बैठेगी। तो क्या करूं मैं, अपनी जान दे दो। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे नहीं पता, पर ताने की आत्मा ने तुम्हें कहीं ले जाने के लिए कहा है। कहाँ मुझे नहीं पता, पर रास्ता वो खुद दिखाएगी। राज, राज डरो मत। राज, अब भी वक्त है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सोना बड़ा का गम तोड़ दे। राज चलो, राज चलो, राज ये आखिरी मौका है इसे बचाने का। सोनम, राज अब भी वक्त है उसे बचाने का। राज देर मत करो, राज सोनम अब भी बच सकती है। राज चलो, राज सुनो मेरी बात को। ठीक है चलो। यहां से राइट। एक बार फिर सोच लो, इसमें बहुत खतरा है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच राज? हाँ तान्या, अब मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा सोचो मत, बस बाइक चलाओ। कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये सब कुछ तानिया की आत्मा ने किया है। शालिनी, संभालो अपने आप को। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे खींच रहा है। शालिनी, 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 शालिनी तुम ठीक तो हो ना? शालिनी उठो, कोशिश करो। शालिनी, शालिनी कोशिश करो। शालिनी हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी उठो। शालिनी, तानिया, तानिया, तुम क्यों क्यों गुस्सा गुस्सा शालिनी के सामने निकल रही हो? मुझसे बात करो। शालिनी, शालिनी कोशिश करो, चलो आराम से, आराम से शामी, चलो आराम से, आराम से, चलो शामी, निकलते हैं यहाँ से, चलो आराम से, आराम से। राज, राज मैं नहीं चल पा रही। चलिए चलो, जल्दी करो। राज, बस राज, और नहीं चल सकती। चलिए जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। राज,
इतने मुझे क्यों मारना चाहती? पता नहीं, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसा होता तो वो सोनम पे हमला क्यों करते? शालिनी, शालिनी, शालिनी कहाँ हो तुम? शालिनी, शालिनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है शालिनी? शालिनी, शालिनी, राज, शालिनी कहाँ हो तुम? शालिनी, शालिनी, तानिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तानिया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं तुमसे पहले करता था। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह जो पहले थी। लेकिन तानिया, अगर तुम ऐसे ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती रही तुम मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। तुम मेरी बात सुन रही हो ना तानिया? मेरी बात सुन रही हो ना तानिया? तानिया, शालिनी, 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 राज, राज, शालिनी, शालिनी कहाँ हो तुम? राज, मुझे बचाओ, राज। राज, मुझे बचा लो। अपना हाथ पैर शालिनी। मैं नहीं पूछ पा रही। शालिनी, अपना हाथ दो। कोशिश करो शालिनी। शालिनी, दोबारा कोशिश करो शालिनी।
कि तानिया की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, न मुझे न तुम्हें, सबको मार डालेगी वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तानिया ये सब कर सकती है। बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी वो, अगर कोई उसका दिल दुखाता तब भी उसे माफ कर देती, और अब तानिया का ये सब बदला लेना कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारे प्यार के जुनून ने उसे ऐसा बना दिया हो। दिल्ली से कजन का फोन। हाँ विनीत, कैसा है? क्या माँ हॉस्पिटल बीमार है? वो क्या हुआ? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं जितना जल्दी होता है दिल्ली पहुंचता हूँ। तब तक विनीत प्लीज मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ओके ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने कि तानिया की आत्मा तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसने तुम्हारी माँ को निशाना बनाया। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं राज, वहां जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। वाकई में तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें तुम्हें अपनी जिंदगी का बलिदान देना होगा। तुम्हें तानिया की जिंदगी में जाना होगा, तानिया की दुनिया में, मौत की दुनिया में। क्या आप अचानक आंटी भी बीमार पड़ गई है? ये सब क्या हो रहा है राज? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज, तुम इस मामले में किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? किसकी मदद लूं सोना? हेलो मिस्टर राज। जी बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से डॉक्टर प्रकाश बात कर रहा हूँ, आपकी मदर मेरे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? पिछले 30 साल के करियर में मैंने किसी भी मरीज को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा। डॉक्टर साहब, माँ बच तो जाएंगे ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर बीमारी ठीक से समझ आए तो इलाज होगा ना, पर आपकी माँ के साथ जो भी हो रहा है, ऐसी बीमारी तो मेडिकल किताब में है ही नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए। अब तो बस कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आंटी को कुछ नहीं होगा। आज तुम्हारी बात सच हो सुना, लेकिन मुझे पता है अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता। वो क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सुन नहीं पाओगे तुम। मैं जानती हूं राज कि शालिनी ने तुमसे क्या कहा। तानिया को जो चाहिए उसे दे दो राज, उसे दे दो राज। Tanya!
तानिया तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें एक बार सुनो तो जिंदा कर दो तानिया, तानिया तुम्हें जो चाहिए दूंगा तुम्हें। सोनम, सोनम राज, राज मुझे क्या हुआ था, मैं फर्श पे कैसे पहुंची? सोनम तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं राज, मुझे कुछ भी याद नहीं। राज मुझे क्या हुआ था बताओ ना, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाय राज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसा काम चल रहा है? सर काम तो ठीक चल रहा है, पर मुझे लगता है कि आपको मेरी जगह लेने के लिए किसी और एम्प्लॉय की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। और क्या तुम्हें किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया है? नहीं सर, कंपनी से तो नहीं, पर क्या पता किसी दूसरी दुनिया से बुलावा आ जाए। ओह प्लीज, ये क्या सुबह सुबह मनहूस बातें लेके बैठ गए। अच्छा मैंने तुमसे एक शालिनी नाम की लड़की से मिलने के लिए कहा था नौकरी के लिए, तुमने उससे अब तक बात क्यों नहीं की? शालिनी से सर मैं उससे मिल चुका हूँ, इनफैक्ट मेरी तो उससे रोज बात भी होती है। क्या तुम्हारी रोज उससे बात हो रही? जी। पर उसने तो मुझे बताया कि तुम्हारी उससे कोई बात ही नहीं हुई या ना ही तुम उससे मिले हो। सर पता नहीं उसने आपसे ऐसा क्यों कहा। रघु। जी सर। वो शालिनी मैडम को जरा अंदर भेज देना। जी सर। सर मैंने आपसे कहा ना मैं शालिनी से मिल चुका हूं। आओ आओ शालिनी। तुम शालिनी? हाँ मैं ही शालिनी हूँ। सर अगर अगर ये शालिनी है तो फिर वो कौन थे? कौन वो? तुम क्या बातें कर रहे हो? सर सर ये उसी शालिनी का फोन है जिससे मेरी बात हुई थी। हेलो। हेलो राज। कौन हो तुम? राज मैं शालिनी। अपनी बकवास बंद करो। शालिनी इस वक्त मेरे सामने खड़ी है, ये बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वो मैं। हेलो हेलो फोन काट दिया। तो घर पर है। सर ये देखिए, अगर ऐसी कोई लड़की होती तो इस रजिस्टर में जरूर उसका नाम लिखा होता और यहां पर उसके सिग्नेचर होते, क्योंकि बिना साइन के मैं किसी को अंदर आने नहीं देता हूं। अगर वो लड़की ऑफिस में नहीं आई तो मेरे कैबिन में कैसे आ गई? अब ये तो आप सर उसी से पूछिए, आपके पास जरूर कोई नंबर या एड्रेस छोड़ के गई होगी ना? हाँ घर का एड्रेस, मुझे पता है कि उसका घर कहां पर है। ताला लगा हुआ है। अरे भाई साहब सुनिए। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? शालिनी से। शालिनी? लेकिन यहाँ तो कोई शालिनी नहीं रहती। क्या? देखिए भाई साहब मैं उस लड़की का असली नाम नहीं जानता, लेकिन जो लड़की इस घर में रहती है मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। कहीं आप आशा की बात तो नहीं कर रहे? आशा? जी हो सकता है, क्या आशा यहीं रहती है? देखिए भाई साहब रहती है नहीं, रहती थी, 2 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। आखिर
आखिर वो चाहती क्या है राज? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। मैं तो इस आशा को जानता तक नहीं हूं। राज, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो हमारी बातें आत्माओं से करवा सकती है, क्यों ना हम उसकी मदद लें? तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे? पता नहीं राज, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी उस आत्मा से लड़ने के लिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पता नहीं सबका अंजाम क्या होने वाला है। चाहे जो भी हो अंजाम, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। क्या हुआ राज? ओह गॉड, नहीं राज, तुम गाड़ी से बाहर नहीं जाओगे। शायद ये शालिनी की चाल है। और अगर ये उसकी चाल नहीं हुई तो उस औरत की जान खतरे में है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? कमाल है ना, तुम मुझे जानते थे और मैं तुम्हारे पुराने ऑफिस में काम करती थी और तुमसे प्यार करती थी, पर तुम तानिया के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई। पर मेरा प्यार सच्चा है, मैं मर के भी तुमसे अलग नहीं हो पाई। इसका मतलब ये सब तुमने किया था और तुम ताने को बदनाम कर रही थी? हाँ, ताकि तुम्हारी नजरों में तानिया गिर जाए और उसने जो जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी वो तुम मुझे दो। पर तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया राज, सोनम को अपनी जिंदगी में लाके धोखा दे दिया। तो ताला लगा हुआ है। अब इधर आ। सुबह तक यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं।
अच्छा ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या सोचा राज? मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मेरा प्यार सोनम के लिए और हमेशा रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा तो अब ये देख, आशा तुम्हें मरना होगा राज, मरना होगा। नहीं राज, तुम उसकी बात मत मानो राज। तानिया तुम? राज वो तानिया थी? हाँ सोनम, तानिया ने हमें आशा की बुरी आत्मा से बचा लिया। आशा पूरी नहीं थी राज, बस अपने प्यार को ना पाने का उसे गम था और इसी गम ने उसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। अबे मजा आ गया, मजा। अरे बहुत मजा आ रहा है।
ये झरना कितना अच्छा लग रहा है नहीं? फिर भी लोग इसके बारे में इतना बुरा क्यों बोलते हैं? ये बहुत खतरनाक होता है, पर ये तो कितना शरीफ लग रहा है नहीं? झरना और शरीफ। अरे मैं भी तो देखूं कितना खतरनाक है ये। नील, 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 रुक जा यार। नील, नील, आगे मत चल। नील, पानी बहुत गहरा है। अरे आगे मत चल, डूब जाएगा। नील, आगे मत चल। चिल मार यार, चिल मार। अरे सुन क्यों नहीं रहे? मैं मेरे से अच्छा स्विमर है कोई? नील, पानी बहुत गहरा है। नील, तुम गिर जाओगे। नील, रुक जाओ। उधर मत जाओ, नील। नील, रुक जाओ। नील। आदित्य, लाश, लाश, लाश। अरे लाश, लाश। यहाँ पानी में मरने वालों के नाम लिखे हैं। पर इसमें जय का नाम तो नहीं है। पर जय यहाँ तक आया था, ये तो हमें मालूम है ना? जय यहाँ आया तो था, लेकिन उसका नाम यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब उम्मीद है कि जय हमें मिल सकता है। हम जय को ढूंढ कर ही छोड़ेंगे। जिस दिन वो गायब हुआ उसने कहा था वो यही झरना देखने जा रहा है, तो चलो उस झरने में ही ढूंढते हैं उसे। आज हमें पता चल जाएगा कि जय गया तो गया कहाँ। हाँ चल। हाँ चल। कर रहे हो? हम वो झरना देखने आए। क्यों? ऐसे ही झरना देखने जो भी यहाँ आता है वापस नहीं जा पाता है यहाँ से। एक लड़के की मौत हुई है कल ही यहाँ पे। हम अपने दोस्त को यहाँ ढूंढने आए हैं, वो यहाँ आया था। वो तुमने देखा था उसे? हाँ, वो झरने के पीछे गया था। झरने के पीछे? हाँ, झरने के पीछे। हम झरने के पीछे जाएंगे। पानी का बहाव बहुत तेज है। कोई बात नहीं, रास्ते में खतरनाक नुकीले पत्थर हैं। हम उनके ऊपर से चले जाएंगे। तो जाओ ढूंढो अपने दोस्त को, रास्ते में मौत मिल जाए तो मेरा सलाम बोलना। सलाम।
संभल के, संभल के। अरे आराम से। ये झरना वाकई में खतरनाक दिख रहा है। इसीलिए तो कहा था मैंने, हम वापस चलते हैं। शायद जय इसी झरने के पीछे हो। चलो जल्दी चलो, शायद उसे कहीं चोट लगी हो। घुसाई क्यों? हाँ मैं क्यों कूदूंगा यार, पता नहीं किसी का हाथ आया पानी में, मेरे पैर को पकड़ लिया और खींच ली। किसका पता नहीं, चल जल्दी कर, चलो चलो यहां से, कम ऑन बी क्विक, चलो देख के आराम से। झरना तो बहुत डरावना, मगर हमें जाना ही पड़ेगा।
संभल गया, संभल गया। ये कैसी जगह है यार? ये कोई गुफा लग रही है। आगे बहुत अंधेरा, सब लोग अपने टॉर्च निकालो। ये जगह बहुत खतरनाक है, चलो वापस चलो। नहीं, हम लोग जय को ढूंढे बिना कैसे जा सकते हैं? वो यहीं कहीं पड़ा हुआ होगा, उसे कोई चोट वोट लगी हुई हो तो। अनुषा ठीक कह रही है, शशि आगे चल, आगे चल। जय, 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 जय। ऐसा नहीं हो सकता, जय नहीं मर सकता। मगर अभी तो उसकी आवाज आ रही थी यहीं से। जय, 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 वहां से बाहर निकल गए। चलो चलो। पहले वो गुफा, अब ये जंगल। यार ये हो क्या रहा है? ये जंगल इतना खतरनाक दिख रहा है, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। तुम लोगों ने एक बात देखी क्या?
कोई आवाज सुनी तुमने? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। यही तो मैं कहने जा रहा हूं, हम जंगल के बीचों बीच खड़े और कोई आवाज नहीं हो रही, न किसी पक्षी की न किसी कीड़े की। हाँ यार, इस जंगल में कोई आवाज नहीं है, लगता है जैसे जंगल मर चुका। तू बात तो ठीक कह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई बैठा हो और हमारा इंतजार कर रहा है। जय, जय भी यही कहीं फंसा होगा, यही कहीं। हाँ चलो ढूंढते हैं उसे, लेकिन 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अगर अंधेरे में जंगल में फंस गए तो समझो मौत पक्की है। अभी भी टाइम है ना, हम जल्दी जल्दी उसे ढूंढते हैं और फिर हम सब यही मिलेंगे अंधेरा होने से पहले। ठीक है, बस चलते हैं। संभल के। ये जंगल हर तरफ से एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, कहीं हम लोग भटक ना जाए। हम लोग कोई निशान लगा देते हैं, सब यहीं पर वापस आना। हाँ मैं ये अपना रुमाल बांध देता हूँ, इसे कहीं लगा देता हूँ। सही है ना? लगाना चाहिए था ना, हम भटक जाएंगे। सोचो हम भटक चुके हैं, शायद हम वहां से आए हैं। वहां से? शो? नहीं अनुष्का, हम यहां से आए थे। मुझे पेड़ याद है। नहीं, हम भटक चुके हैं। अब हम वापस नहीं जा पाएंगे, फंस गए हैं हम। नहीं होगा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। यार हम लोगों को यहां से चलना चाहिए, जय को फिर किसी दिन ढूंढ लेंगे। हाँ, हम फिर कभी आ जाएंगे, पर यहां से बाहर जाए कैसे? एक काम करते हैं, काजल और ना यहां से जाते हैं, तुम दोनों वहां से जाओ। ठीक है, चल काजल, चल। पहले रुके हुए थे और हम एक ही जगह
गोल 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 चक्कर में घूमे जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम एक ही जगह पे हम फंस चुके हैं। बस ये हमारी कब्र खोदने वाली। जय तुम लोग यहाँ कैसे? हम लोग भी तुम्हारी तरह गोल गोल घूम रहे हैं, फंस चुके हैं यहाँ। अब रात यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन हमें तो चाय को ढूंढना, किसी भी हालत में अब ढूंढो चाय को। जिंदा बचेंगे तब ढूंढेंगे ना, अब हमें कौन ढूंढेगा? मालूम होगा बाहर जाने का रास्ता। सुबह हो गई, पता ही नहीं चला नींद कब आ गई। शशि, अरे शशि तो उड़ गया क्या? शशि शशि कहाँ पे?
शशि गया कहाँ ये? शशि शशि कहाँ है तू? बिना बताए कहाँ चला गया? शशि शशि क्या हुआ रोहन? क्या हुआ? अरे ऐसे ही कुछ नहीं, कहीं पैर अटक गया था मेरा। क्या है? पता नहीं कुछ पत्थर होगा, यहाँ पे धूल भी इतनी है ना, ऊपर से शशि गायब है। क्या खून? ये है क्या? ये अचानक इधर कहाँ से आ गए? कल रात तो ये नहीं थे इधर। कोई आया था? कोई आया था यहाँ पे? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? जब हम लोग सो रहे थे तो कोई यहाँ आया था, मगर वो ये पत्ता यहाँ क्यों रख के गया? पता नहीं कौन रख के गया, कौन पीछे पड़ गया? कौन हो तुम? 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 ये देखो शशि भी गायब है। शशि कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता, मैं सुबह उठा तो वो नहीं था यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शशि को ले गया और वो पत्थर वहां छोड़ गया? ये क्या कह रही तू? तो फिर शशि कहाँ है? कहाँ गया वो? शशि यहीं कहीं होगा। एक काम करो, अपना सामान पैक करो, उसे ढूंढते हैं हम। सामान पैक करो। चलो शशि 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 शशि। मैंने कहा था यहां से वापस चलो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब शशि भी गायब है, जैसे जय गायब हुआ था। अगला नंबर हमारा होगा, समझे? काजल प्लीज दो मिनट चुप रहो प्लीज। नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। यार देखो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं अलग अलग रास्ते से जाते हैं और शशि को ढूंढते हैं। मगर रास्ता है किधर? मेरा मतलब है कि तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाऊंगा, और काजल तुम इस तरफ जाओ और शशि का नाम चिल्लाते रहना, ठीक है? चलो जाओ। शशि 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 कोई नहीं है।
कोई कोई है, मैं कह रही हूँ रोहन यहाँ से निकल चलो प्लीज 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 रोहन। हम बिना शशि को ढूंढे यहाँ से जाए कैसे? अगर वो यहीं पे हुआ तो क्या अच्छा लगेगा उसे छोड़कर जाना? हम यहाँ से निकल नहीं सके, जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी। पर क्या करें? एक तरफ मुंह करके चलते रहो, कहीं ना कहीं तो निकलेंगी ना। सुनाई दिया तुमको? पानी की आवाज है, वहां से आ रही है। नो, वहां से आ रही है। नहीं, यू बोलता रॉन्ग, आवाज इधर से आ रही है। ये कैसे हो सकता है? पानी की आवाज चारों तरफ से कैसे आ सकती है? मैं इधर जाकर देखती हूँ, अगर मुझे पानी मिला तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। जाओ देख क्या हो। मैं ऐसे एक जगह भी चिपक खड़ी नहीं रह सकती, मैं भी जाके देखती हूँ। काजल नहीं, नहीं काजल, कुछ बुरा हो गया तो? काजल, काजल, पता नहीं सब कहाँ होंगे, सब यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। चारों तरफ धुंध, ये धुंध कहाँ से आई अचानक? रोहन, तुम हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? अनुष्का, ये तो अनुष्का की चीख है। अनुष्का, काजल, काजल, अनुष्का, अनुष्का,
अनुष्का, अनुष्का, काजल, काजल। रोशनी, लगता मैं बच जाऊंगा। मिलेगी, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा है। अभी तो सिर्फ चाय ही पिला सकता हूं। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें मालूम है ना, हम यहां अपने दोस्त को ढूंढने आए थे, जय को ढूंढने आए थे। मेरे सारे दोस्त एक एक करके गायब हो गए। ये जगह, ये जंगल खतरनाक है। या कुछ है जो डरावना है। सब चले गए, सिर्फ मैं बचा हूं। मुझे तो लगा, तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा कि मैं कभी इस जंगल से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। तुमने ठीक ही सोचा था। मतलब मैं यहां से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा? ये जगह खतरनाक है, यहां आत्माएं रहती हैं। क्या? हाँ, बहुत साल पहले यहां एक आदमी डूब के मर गया था, वहां झरने में, और उसकी आत्मा आज तक यही घूम रही है, यही पानी के आसपास और जंगल में। जो कोई भी यहां आता है वो आत्मा उसे मार देती है। एक बार जो यहां आ गया वो वापस जा ही नहीं सकता है। नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
वो झरने में चला गया, वो मरेगा। मुझे मत मारो।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।